हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सौदागर। दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष बात पर चर्चा करने वाले हैं, वो है SNT पोस्ट पर ज्वाइनिंग प्रोसेस प्रक्रिया। तो देखिए, दरअसल है कि जो सिकंदराबाद जो डिवीज़न है, जोन तो है ही सिकंदराबाद, लेकिन साथ साथ सिकंदराबाद एक डिवीज़न भी है। तो सिकंदराबाद डिवीज़न में कुछ ऐसा सीन है कि अभी तक जो SNT का जो पोस्ट का है, सभी का HRMS अकाउंट बन चुका है, लेकिन उसको अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ। स्टेशन जो होता है, अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो उसी पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दरअसल इस सबको बुलाया कब गया था, यानी जो SNT के जो स्टूडेंट हैं या जो एम्प्लॉय हैं उसको बुलाया गया था। रही बात तो ये 1 मई को बुलाया गया, और 2 मई को उसे बोला गया था कि HRMS अकाउंट बनाइए, यानी ज्वाइनिंग के लिए एक तरह से समझिए। 2 मई को वहां पर सब लोग पहुंच चुके थे, और जब ये हो गया, HRMS ID बनने के बाद जो है उन सभी को बोला गया कि आप लोग जाइए और आप लोगों को मैसेज जाएगा, साथ साथ NPS फॉर्म भी भरवाया गया उस सबको। और ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद बोला है हम लोग कि बुलाएँगे बाद में। लेकिन ऐसा सीन है कि लगभग 1 मंथ हो चुका है, अभी तक उसको नहीं बुलाया गया है, और उसको उसी तरीका से है, बहुत लोग अपने रूम लेकर रह रहा है किसी तरीका से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जो सिकंदराबाद से हैं या आप लोग जहां से भी वीडियो देख रहे होंगे, तो क्या आपके जोन में भी ऐसा है, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ये चीज़ जो है तो उसको देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे साथी हैं हमारा, तो उन सभी का एक रिक्वेस्ट था कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो आना चाहिए। तो देखिए, जिन्हें भी ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिए, और साथ साथ एक बार आप अपने जो भी सर लोग हैं उनको कहिए, अगर वो, क्योंकि होता है कि जितने भी एम्प्लॉय गए हैं वो सब जितने भी अगर इसी में बोले, जैसे कि उसी में ट्रैकमैन जो पहुँचा है या पॉइंट्समैन, उसी डिवीज़न में सभी को लिया जा रहा है, लेकिन SNT वाले को रोका जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग का एम्प्लॉय ID भी नहीं आया होगा और आपका तो पेमेंट चालू भी नहीं हुआ होगा, तो इसलिए जो है आप लोग देखिए, एक बार रिक्वेस्ट करिए, अगर रिक्वेस्ट से मान जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप लोग जो है, आप जो डिवीज़न है, आप लोग डिवीज़न में जाके, वो कहने का मतलब जो सभी का अपना अपना विभाग होता है, SNT का भी होगा, और उसमें APO बैठते हैं और भी बहुत सारे हैं, तो उस पदाधिकारी को डायरेक्ट बोलिए कि हम लोग को 1 मंथ से ज़्यादा समय हो गया और अभी तक ओनली फॉर बोला गया है कि आप लोग मैसेज करेंगे तो आइएगा, तो ऐसे में कब तक चलेगा? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग को ये भी फिक्स डेट भी नहीं दिया गया है कि इस तारीख को आप आइए और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये सब था प्रॉब्लम जो कि हमने आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और अगर आप लोग के साथ भी कोई कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इस पर जो भी हो सकता है तो वो मदद मिल जाएगा। तो आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।